कभी स्टेटमेंट नहीं, ना मैं वो कदे एडमिट किया, ना मैं उन्होंने कहा भी मैं सीएम कैंडिडेट हाँ थोड़ा सीएम सीएम रौला पाता ये टिकटां दियां लिस्टां जारी कर लग पे। मैं इतराज किया भी इदा ना करो, जो मैंने सीएम बनाना इन्होंने लोगों नाल डील करना है, जे एम एल एज करप्ट हो गए तो मैं काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने ध्यान च नहीं सी ये गल, सब कुछ उन्होंने पता है। मैं कुछ आडियो क्लिप्स दितियां, एक दो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दी। एक कैंडीडेट ने टिकट बंडन वाली टीम के एक बंदे अपनी इनोवा गड्डी नवी लेके दी। एक बंदे ने उहदे ने चंडीगढ़ च एक कोठी का 14 करोड़ का सौदा करके 70% रजिस्टर होया होया वो बयाना, वो इतने कह के गए भी राजेवाल बड़ा भला आदमी है, उन्हें मैंने दितियां जरूर क्लिप्स, पर उन्हें है कुछ नहीं सी। उन्होंने किमें कह दूगा भी हाँ सौदे हुए हुए, यह कह के उन्हें मरना। थोड़े तो एलीगेशन की ला रहे हैं कि जे राजेवाल दे कोल कोई प्रूफ हैगा तो सानू पेश करे। हैगे हाले भी हैगे, 4 दिन पहला कढ़ांगे, 20 तरीक आउण दो कढ़ांगे नेड़े जाके। जे चोण नतीजियां तो बाद तुहानू किसे दी लोड़ पैगी या तुहाडी किसे नू लोड़ पैगी? फिर इदां हुणे ही नहीं, जे तुहानू क्लीयर मेजोरिटी नहीं मिलदी तुहाडे सामणे तां सिर्फ रवायती पार्टी अपोजिशन च बह जांगे, किड्डी काफत है, साथ नहीं दिओगे। तुसीं आम आदमी पार्टी दे किसे उम्मीदवार तक पहुंच कीती? असीं जितियां ने टिकटां, इहदे च की असीं स्वाभिमान ने भी थोड़े तो सवाल चुके ने कि मैं संतुष्ट नहीं हाँ। He was not part of the SKM। वो अपने आप में स्पष्ट करते हैं कि असी आम लोग हाँ, आम लोगों के बीच विचरते हैं। भाई एक मौका केजरीवाल को, केजरीवाल को ही क्यों, वो दिल्ली आके इतने साढ़े राज करना चाहता है। हूँ साड़ी पानी की समस्या दिल्ली की खत्म हो जी, साडा पानी दिल्ली ले जाना है, फिर दोबारा एस वाई पटाऊगा वो, तो पंजाब के नाल हित की है उन्होंने। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ? 65 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਟਾਂ ਲਈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ PTC ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ EI ਵਾਰਸ ਐਂਡ ਕੇਬਲਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਤੇ ਫੜ ਲਓ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਜਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, दिन बहुत घट रहे, हुणे हुणे पार्टी रजिस्टर हुई है, चोण निशान भी प्रॉपर तरीके नहीं मिल पाया, इस करके चोण प्रचार के दौरान तुसी पूरा पंजाब घूमना है, थोड़े उम्मीदवारों नू तुसी दसना है कि किवें काम करना है, किवें नहीं करना। जदों एक नवीं पार्टी होवे उसके अगे चुनौतियां बहुत होंदियां ने, पुरानियां रवायती पार्टियां का काडर वर्कर भी हुंदा, उन्होंने चोणां लड़ियां हुंदियां, उन्होंने पता हुंदा सब कुछ, पर इन्हां ने नवें सिरों सब कुछ शुरू करना है, स्क्रैच तो शुरू करना है। बलबीर सिंह राजेवाल संयुक्त समाज मोर्चा के प्रधान साडे नाल मौजूद ने। राजेवाल साहब स्वागत है PTC न्यूज़ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਮੌਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਸਿਆਸੀ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੈ। ਗਰਮ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ 51 ਸਾਲ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ